गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीस्ट कॉमन मेथड, इसको एलसीएम भी बोल देते हैं, वैसे तुम याद रखोगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब इसका मतलब क्या है, लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमेशा क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा मिनिमम रहे। तो ये सेकेंड मेथड में क्या बोलता है कि तुम्हें सबसे लीस्ट कॉस्ट देखनी है इस पूरे प्रोसेस में। जैसे मैंने नॉर्थ वेस्ट में क्या बोला था, सबसे नॉर्थ के वेस्ट में सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, लेकिन इसमें कहां से स्टार्ट करोगे, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है इस पूरी प्रॉब्लम में। इस पूरी प्रॉब्लम में तुम देख रहे हो कि सबसे मिनिमम ये क्या होती है, कॉस्ट होती है कि S1 से D1 तक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 19 है, S1 से D2 तक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 30, डिमांड कितनी है 5 D1 की, ये D1 डेस्टिनेशन है, इसकी डिमांड 5 की है, और S1 की सप्लाई कितनी है 7। तो इन सबको हमें नोटिस करना है ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे लीस्ट कॉस्ट को देखना है, तो सबसे लीस्ट कॉस्ट तुम देख रहे हो, वैसे यहां पे 10 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे लीस्ट कॉस्ट कितनी है 8। तो जितना मैक्सिमम तुम लोकेट कर सकते हो उतनी मैक्सिमम आइटम तुम वहां दे दो। जैसे मैं यहां पे मैक्सिमम कितनी लोकेट कर सकती हूँ 8, तो मैंने यहां पे कितना दे दिया 8, क्योंकि ये 18 ले सकता है और ये 8, इसको चाहिए 8, तो इसका तो कंप्लीट हो गया, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो मैं इन दोनों की देखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट मिनिमम कौन है 8 को छोड़ के, अब उसे थोड़ी सी आसपास देखो 10 है, इसको कितना दे सकते हो सप्लाई में 7, और इधर 14 है, तो इधर 7 दे सकते हो। अब ना इसको दे सकते ना इसको, क्योंकि इसकी जितनी सप्लाई थी 7 वो पूरी हो चुकी है, ये और किसी को नहीं देगा, हो गया। अब इनके अलावा जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी दिख रही है मुझे 20, इधर मैं 7 ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और इसको ये कितना ले सकता है 7 और ले सकता है, और इधर से मिल रहा है मुझे 7, 18 से 7 निकालो 7 आ गया, 8 और 7 कितना होता है 15, अब तुम्हारी रह गई है 2 क्वांटिटी। अब इन दोनों में से किसको दोगे, 70 को दोगे 40 को, तुम तो अपने जहां पे तुम्हारी मिनिमम कॉस्ट लग रही है तुम वहां दोगे, तो मैंने 40 को 2 दे दिया और बाकी इधर बचा 0, हो गया। अब 2 इधर दे दिया, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं, इधर तुम दे नहीं सकते, इधर तुमने 2 दे दिया, तो अब कितनी बची तुम्हारी 3 क्वांटिटी, तो इधर ही देनी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कंप्लीट भी करने हैं ना सारे सेल्स। वैसे तो बच्चे कहेंगे मैम 40 है नेक्स्ट, 40 में कितना दे सकते हो, यहां से 7 है और यहां पे 9 है, तुम यहां पे 7 दे सकते हो, 7 दी, तो तुम पहले ऐसा करोगे 7 ही दोगे इधर, ठीक है 7 दी। अब एक चीज नोटिस करो, एक मिनट, यहां पे 8 हो चुका है, यहां पे 7, 8 और 7 कितना होता है 15, 3 रह गया था, सॉरी यहां पे 2 की जगह 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 18 कहां कंप्लीट हो रहा है, तो 3 और यहां पे कितना दोगे फिर तुम 2 दोगे। देखो इन दोनों में से किसको दोगे, मैंने कहा कि यहां पे 8 आ गई, यहां पे 7 आ गया, ठीक है, अब हमें कंप्लीट तो करना ही है, 18 में से कितना रह गया 3 रह गया, तो मैं 40 में से और इन दोनों में से दे सकती हूँ, तो मैं सबसे कम पहले जितना मेरे को हो सकता है मैं उतना ही दे सकती हूँ, और यहां पे मैं 3 ही दे सकती हूँ, उससे ज्यादा भी दे सकती हूँ, मैंने यहां पे 3 दे दिया, बाकी कितना बचा 5 में से 2, तो मैंने यहां पे 2 दे दिया, यहां पे 2 दे ही चुकी हूं। अब इन दोनों में मिनिमम कौन है 40 वाला, तो मैंने इसको कितना दे दिया 7, यहां पे 7, तो यहां पे दोनों जगह क्या आ गया 0। अब कितने सबके सेल्स कंप्लीट हो गए तुम काउंट कर लो, देखो पहले ऐसे रो कॉलम वाइज चेक कर लो, 2 + 3 = 5 = 8 + 7 = 7 = 14, तो इसको तो 0 देना ही पड़ेगा, ऐसे भी देख लो 7 + 2 + 7 = 9 = 3 = 8 = 18 हो गया कंप्लीट। तो तुम्हारा इस मेथड को बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड में यही है कि तुम्हें सबसे लीस्ट कॉस्ट से स्टार्ट करना है, तुम्हारा तो बेटर किस कौन है, नॉर्थ वेस्ट से ये बेटर है। अब तुम्हारे अगर तुम्हें बोलते टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो तो क्या बनेगी, देखो इधर 2 आइटम्स थी 70 रुपीज की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट होती है ये जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं 70, और आइटम्स कितनी थी 2 + इस वाले कॉलम में क्या है, एक ही यहां पे 10 × 7, यहां पे 40 × 7 और 40 × 3 + 8 × 8 और 20 × 7, बस अब इसका निकाल दो 140 + 70 + 280 + 120 + 64 + 140, यहां से तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस यही था तुम्हारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब तुम्हें इसी क्वेश्चन में बोलते हैं डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल का भी वही है कि ये तो मैंने देखा कि ये भी टोटल 34 आ रहा है और ये भी 34 आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, डमी वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आता है तो डमी वेरिएबल वाला ही डाल दो, उन सब में कॉस्ट लिखोगे 0, लेकिन उसको मिनिमम नहीं लोगे 0, मैंने बोला है 0 को छोड़ना है तुमने, बस वो तुम्हारा क्या होता है क्वेश्चन को इजी करने के लिए होता है। डमी का क्या होता है, यहां पे अगर
यहाँ पे कमी पड़ रही है तो यहाँ ऐड कर देते हैं कॉलम, नहीं तो यहाँ रो ऐड कर देते हैं। वहां पे सबकी कॉस्ट क्या लिखता है, जीरो, लेकिन जीरो को तुम नोटिस नहीं करोगे। मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे मिनिमम कॉस्ट देखनी है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट तो जीरो होती है, जीरो नहीं देखना, जीरो को नेग्लेक्ट करके उसके नेक्स्ट मिनिमम पॉजिटिव क्वांटिटी को देखना है कि कौन सी कॉस्ट मिनिमम है। तो ये मेथड होता है तुम्हारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब एक दो क्वेश्चन दूंगी वो ट्राई करना, बस लीस्ट कॉस्ट मेथड में इतना ही था। ऐसे एक नेक्स्ट करेंगे वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, फिर इन तीनों में देखेंगे सबसे बेस्ट कौन सा है।